जी बेगम ने मैंने सिर्फ ऐसे वजह नाल छड़ छड़िया भी तू घर नहीं आउंदा। एदी मेरे मेरी कहानी मोगी, मेरे को तलाक ले ली, खुला ले ली मेरी बीवी ने, मेरे को सिर्फ इस वजह तू वापस आ गया। लेकिन चंद मजबूरियां मैं नहीं जा सकया, उन्हें स्कूल टीचर ही पढ़ी लिखी, वह कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है जरा मैं नहीं जा सकया। दिल करता भी डैड बट जाए ये किनू जाके मिलिए, हूँ सारे अपने अपने करीब बसते ने, बड़े हो गए ने, भैन भरा भी बच्चे, एक बेटा है मेरा जी, असं 15 बंदे एक कमरे च रहने और उत्थे सांसद जनरेटर रखे, सिर्फ राती बाली दा दिहाड़ी आनी, उत्थे बिजली भी सहूलत मौजूद नहीं है, वाशरूम की भी सहूलत मौजूद नहीं है। हुण इस मौसम च तुसीं हिसाब लाओ घर जाके ठंडे पानी नाल नहाना पै जाए कितना मुश्किल, लेकिन अल्लाह वास्ते डंकी ना लायो। मैं रो के दसना, मैं खुदा दी कसम मेरे हत्था च लोगों ने जान दी है डंकी, दुख मनु इस गल मेरे अपने मुल्क दे बंदे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कलामाता शहर में मौजूद है, जो कि मशहूर है ग्रीस में, सबसे ज़्यादा जैतून इस इलाके में होता है, तो यकीनन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं। ये जो बुज़ुर्ग आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं, 26 साल से ये यूनान मुकीम है और ये अभी खेतों में जैतून का काम कर रहे हैं। यकीनन हम इनकी जर्नी भी आपको सुनवाते हैं, और जो लोग गैर कानूनी तरीके से आते हैं और 26 साल बाद भी ये यहाँ इस जगह इस मुकाम पे खड़े हैं, उसकी रीज़न ये है कि जब आप गैर कानूनी आते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, और यहाँ पर ज़िंदगी कैसी है, ये कितना आसान या कितना मुश्किल काम है, इनकी सैलरी क्या है, कितना ये दिहाड़ी इनकी है, और भी बहुत कुछ है। हमारे साथ रहिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया साहब, तो पहला अपना नाम दसो जी। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, पाकिस्तान गुजरात का रहने वाला जी। गुजरात 97 जो तुसा फरमाया तुसी आया सर जी, 97 च आया जी मैं, 98 दी मैं इमीग्रेशन लई, इमीग्रेशन लैन तो बाद काम शुरू किया, उस तो बाद फिर यानी कि गोरमेंट दियाँ बहुत ज़्यादा चीज़ा मंगते सन, कद डाक्टरी पेपर, कदे केड़ा पेपर, कदे केड़ा पेपर, कोई मालक नहीं है मनता लिख लिख के देने वास्ते। वो एक बार पेपर खराब हो गए, फिर दोबारा बनवाए, बड़ी मुश्किल न अगे पिछे वादे काटे करके जलालत देखिया खराब होए, तो हूँ पेपर है ना तेरे को? फिलहाल जी मेरे पेपर खराब हो गए। 26 साल बाद हजे भी पेपर नहीं है? नहीं है जी, खराब हो गए। बच्चे कि मेरा एक बेटा है जी, एक बेटा माशाल्लाह हाफिज़ुल कुरान। 26 साल जिंदगी देते हो गए ने, की कर दे रहे हो? मजदूरी कर दे रहे हैं जनाब, होर के मजदूरी कर दे रहे, अपने भैनों भरावों का शादियां कीतियां, अपने माँ प्यो नु पालिया, हुण बच्चा है, बच्चे नु पालने आ पे। सही है, इत्थों दिल नहीं करता जान ते 26 साल हो गए ने जी, बस कोई ऐसी वजह जी दी वजह नाल हुण दिल नहीं करता जान ते, दिल करता इत्थों डैड बट जाए ये किन्नू जाके मिलिए, हुण सारे अपने अपने करीब बसते ने, बड़े हो गए ने, भैन भरा भी बच्चे, एक बेटा है मेरा, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे, कोशिश करांगा जे वीजे ते आ सकिया तो बाहर मंगवाऊंगा। डंकी नहीं, कदे भी नहीं, इस वेल मैं आपूं डंकी च बड़े बड़े बुरे हालात देखे ने, मेरे नाल जो मैं आया सा मेरे नाल बंदे मरे। तुम हम जैतून का काम करते हो? हाँ जी। इतने किंज का काम है, औखा है, किन्ने घंटे काम करते हो जी? 8 बजे तो लैके 4 बजे तक करने, 1 घंटा साड़ी रेस्ट बनती है, कॉफी टाइम होंगे तो लंच टाइम होंगे, तो बाकी 7 घंटे असं मुसलसल सिर चुकते नहीं, थोड़े तुसा देख भी लिया, वीडियो भी तुम्हें बना ली है, 7 घंटे असं बिल्कुल सिर नहीं चुकते, बड़ा जोर लगता, यानी कि शामी होश को नहीं होंगी, इन्नी गर थकावट हो जाती। सही है जी। और कुछ छुट्टी भी होंगी? छुट्टी सिर्फ जिस दिन बारिश हो जी उस दिन छुट्टी होंगी है, तो बाकी काम करना है तो पैसे लभने, जो दिहाड़ नहीं लानी तो फिर कौन पैसे लभ। अच्छा, तुम जी रिहायश रह रहे हो, उस रिहायश किन्ने लोग ने जी? असं 15 बंदे एक कमरे च रहने, और उत्थे सांसद जनरेटर रखे, सिर्फ राती बाली दा दिहाड़ी आनी, उत्थे बिजली भी सहूलत मौजूद नहीं है, वाशरूम की भी सहूलत मौजूद नहीं है। हुण इस मौसम च तुसीं हिसाब लाओ घर जाके ठंडे पानी नाल नहाना पै जाए कितना मुश्किल, यानी कि राती उठ के वाशरूम जाना पै जाए तो मुसीबत पै जाए। जंगल है बाहर, जंगली जानवर होंदे ने, सूर वगैरह, गिद्दड़। जंगल वाशरूम कमरे च नहीं है? नहीं जी, वाशरूम बाहर खेतों ही जाएगा। सही, तकरीबन पूरे कला माता दी ही सूरत हाल है, कोई स्थिति मेरे ख्याल इस तरह की नहीं है जी मुकम्मल हो, किधर बिजली को नहीं, किधर वाशरूम को नहीं है। मजदूर जिन्हें भी उंजी रहते हैं? उंजी रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत इलाका है टूरिस्ट के लिए, यहाँ पे समंदर है, पहाड़ है, सब्जा है, सारा कुछ, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे, इस पर्दे के पीछे ये जो मजदूर की लाइफ है ना, वो ये है जो वो बता रहे हैं। होर इस बारे दसो थोड़ा जहा, कलामाते जी मजदूर की लाइफ है, ठीक है, मजदूर में सहूलत है?
कोई सहूलत नहीं है मजदूर ने सवा एक एक अच्छा काम इतने जी दिहाड़ चंगी जी अभी झूठ मारने वाली गल इतने से जो पंजा यूरो दिहाड़ लें ठीक है इस वास्ते असं सारा कुछ बर्दाश्त करने भी इतने दिहाड़ ठीक बन जाती यानी कि इस सीजन असी 2-3 लाख रुपया अपने घर तोर ला नहीं तो हम बेगम ने जो कहती छड़ दौ इन्ना अरसा हो गया बार किवें जिंदगी बेंदे हो जी बेगम ने मैं सिर्फ ऐसे वायरल ही छड़ छड़िया भी तू घर नहीं आऊँगा मैं यह भी मेरा मेरी कहानी मोगी मेरे को तलाक ले ली खुला ले ली मेरी बीवी ने मेरे को सिर्फ इस वजह तू वापस आ गया लेकिन चंद मजबूरियां मैं नहीं जा सकिया उन्हें स्कूल टीचर ही पढ़ी लिखी वह कोई कसूर नहीं मेरा कसूर है जरा मैं नहीं जा सकिया उन्हें मेरे को खुला ले ली फिर मैं आपू फोन यानी खुला भी चलो एक कानूनी लिहाज ना ठीक है लेकिन इस्लामी लिहाज ना ठीक नहीं है फिर मोबाइल से फिर मैं जो रब तलाक दी मैं उन्होंने शादी की एक अपने टाइम ना स्कूल टीचर हले भी गोरमेंट स्कूल टीचर अपना जाति स्कूल भी है और मेरे बच्चे भी तकरीबन हुई जी सारा कुछ देखती सुनती भी है पैसे मैं टोना अपने बच्चे नहीं वो तालीम का सारा खर्चा मैं चुके लेकिन बाकी जरा ना सरबराई वो यानी की पाया तुसा यूरोप आके तुसा अपने की पाया यानी घर भी उजड़ गया बच्चों तो भी सिर्फ अपने भैन भरावों सैट कर अपनी भैन दादियाँ करती भरा की शादी करती मेरा भरा है तो मजीद मेरा मतलब है अगू भी वो हेल्प करना पै भैन भरावान दारे की हेल्प करना पै अगू भतरीए हो गए भतरियां हो गई ने उन्होंने शादियों की हेल्प उन्होंने हेल्प करना पै जिन्ना कर हो सकता करना अल्लाह तला तुम्हें हिम्मत दे मैं तो मजीद नहीं सुन सकता लो जी ये है रियलिटी ये जो बंदे प्रदेश में ज़्यादातर ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं ना उनके लिए घर वालों को लेके बड़ा दर्द होता है बहन भाइयों को सेट करना यानी अपना घर बर्बाद कर लिया है दूसरों का घर बनाते बनाते ये रियलिटी है इनकी अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कामयाबियाँ दे बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया की मैसेज देना चाहते जो लोग तुम देखें खुदा रा मनू मेरे भतरिया ने अपने आने आखिया चाचू मामू असी आना असी डंकी लानी है मैं उन्होंने आख्या पुत्रो जो जिन्ना खर्चा तुम्हें चाहिए मैं पहुँचा दा करा लेकिन अल्लाह वास्ते डंकी ना लाओ मैं रो के दसना मैं खुदा की किस्म मेरे हथा लोगों ने जान दी है डंकी वो दुख मनु इस गल मेरे अपने मुल्क के बंदे बहुत शुक्रिया यकीन नाजरीन आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा ये वीडियोज बनाने का पर्पज ये है कि जब आप इनलीगल आते हैं ना डंकी से तो जिंदगी आपको यहाँ पे ले आती है और ये वो चीजें हैं हम इसलिए आपको दिखा और बता रहे हैं ताकि जो आने वाले हमारे बच्चे हैं मुस्तकबिल के लोग हैं वो ऐसे फैसले ना करें कि आप बजाय जो आपको चीज नजर आ रही है रियलिटी ये है कि घर भी गया सारा कुछ और अभी भी प्रदेश में आई है और डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बने ये गैर कानूनी आने का नुकसान आता है इसी के साथ हमें इजाजत दें पाकिस्तान पाइंदाबाद